हे यूल मै गॉड्स वेलकम बैक टू द चैल गाइज आई होप आप सब बहुत मजे से होंगे एंड फैमिली के साथ आपने वीकेंड में खूब जम के एन्जॉय किया होगा सो गाइज़ फाइनली आफ्टर सो मैनी रिक्वेस्ट आज मैं आप लोगों के लिए ले ही आई मीशो से विंटर हॉल कलेक्शन जिसमें आपको वुलन कुर्तीज़ वुलन कुर्ता सेट्स विथ स्टोल दिखने को मिल जाएंगे एंड क्वालिटी ऐसी ज़बरदस्त मतलब रिसीव हुई है ना कि मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी, थी कि मीशो से इस प्राइस पॉइंट पर हमें ऐसी क्वालिटी मिल सकती है जिसको कि आप आँख बंद करके पिक कर सकते हो सीरियसली गाइज मतलब अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साथ ही साथ आज के हॉल में मैंने कुछ ऐसी कुर्तीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कि अंडर 350 की हैं मतलब वूलन नहीं है वो लेकिन आप उनको किसी भी यू नो छोटे मोटे ओकेजनस वगैरह में गेट टुगेदर में वेयर कर सकते हो अंडर थ्री फिफ्टी ये एकदम लेटेस्ट और न्यू कलेक्शन रहेगा मीशो पे इस टाइम तो मैं नहीं चाहती कि आप आज के इस हॉल में से कुछ भी मिस कर दो बहुत अमेजिंग न्यूट्रल स्किन टोन्स हैं इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट पीसेस हैं सबके लिंक्स मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डायरेक्ट लिंक्स दिए हुए है मैंने मीशो के तो आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा इनमें से आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो आज के हॉल में से तो एटलीस्ट आंख बंद करके पिक कर सकते हो एक आध पीस में मुझे हल्की फुल्की सी इशू रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो को प्लीज एंड तक देखना आपको पसंद आती है यूजफुल लगती है तो लाइक और कमेंट करना क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके की और अच्छी अच्छी यू you नो know, इन बजट ट्रेंडिंग कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एंड ऐसे ही फैशन हॉल वीडियोज़ आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो फैशन से अपडेटेड रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा अब चलिए जल्दी से चलते हैं आज का अच्छा ब्यूटीफुल सा हॉल पिटारा चेक करते हैं सो so जैसे जैसे मेरे हाथ में एक एक चीज आती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी तो सबसे पहले मेरे पास जो आ गया है वो है ये ब्यूटीफुल सा वुलन कुर्ता जो आपको आई थिंक शायद प्लस साइज तक भी अवेलेबल है थ्री एक्सएल फोर एक्सएल भी इसमें आपको मिल जाएगा और इसका जो स्टफ है वो है कश्मीरी पश्मीना दिस इज सो यू नो थिक एंड वार्म फैब्रिक आप इसको बड़े मजे से पहन सकते हो एंड क्वालिटी मुझे इसकी पर्सनली बहुत अच्छी लगी राउंड नेक इसमें मिल जाएगा बहुत ही सिंपल सा इसमें हमको जो है पैच वर्क दे रखा हाँ है योग पार्ट में जिसमें जरी वर्क है एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग है एंड ये बटन जो है आपको ये दे रखे हैं नॉन फंक्शनल है, है जस्ट शो के लिए तो बहुत ही बेसिक सिंपल सा इसका जो है फ्रंट में लुक आ जाएगा एंड ये काफी अफोर्डेबल है आप चाहो तो अपनी फैमिली में किसी को भी एस ए गिफ्टिंग ऑप्शन भी इसको इस विंटर में कंसिडर कर सकते हो तो इसका लुक फ्रंट में कुछ ऐसा है स्लीवस की अगर हम बात करें तो इसमें हमको थ्री फोर्थ स्लीव मिल जाएंगी एंड स्लीव के एंड पे भी हमको ये पैच वर्क मिल जाएगा जिसमें कि पूरा जरी एम्ब्रॉयडरी एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है रेस्ट ये पूरा कुर्ता जो है आपको एकदम सॉलिड ब्लू कलर में मिलेगा फिट इसका एकदम परफेक्ट आया है नीचे एकदम सॉलिड ब्लू कलर का रहेगा ओवरऑल लुक इसकी हो जाती है ऐसी आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर कुछ इस तरीके का है एंड दिस इज़ सो थिक ये देखिए बहुत अच्छा वाला फैब्रिक है इसका एंड बैक साइड पर भी हमको ये एकदम प्लेन मिल जाएगा ब्लू कलर का कुछ इस तरीके से न अब आप बोलोगे कि इसके साथ बॉटम वेयर कौन सा जाएगा तो यार इसके साथ आप डेनिम वेयर कर सकते हो ट्राउजर्स वेयर कर सकते इसमें हो इसमें मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है तो आपके पास जो भी वुलन प्लाजो या फिर यू you नो know, लेगिंग पड़ी हो वो इसके साथ चली जाएगी इसमें पिंक है वाइट है रेड है गोल्डन है बेज कलर भी अगर यू you नो know, बेज और ब्राउन कलर बहुत बेसिक से होते हैं तो वो भी आप इनके साथ जो हो पेयरअप कर सकते हो इन बजट है मुझे पर्सनली इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा तो येस yes, आप इसको जो हो डेफिनेटली परचेज करके देख सकते अब जो मैं आपके साथ कुर्ती शेयर करने वाली हूँ ना लिटरली आई वॉज हैविंग माई आई ऑन दिस कुर्ती मतलब मुझे ये डाउट था कि यार ये जितने की है क्या बिल्कुल वैसी ही रिसीव होगी बट दिस इज अमेजिंग अमेजिंग आइज ये कॉटन फैब्रिक में आपको आलिया कुर्ता मिल जाएगा दिस इज़ फॉर समवेयर अराउंड यू नो टू फिफ्टी और थ्री हंड्रेड कुछ के बीच की है ये एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ पे मैंशन कर दूंगी एंड जस्ट लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन मतलब पिंक कौन है ऐसा जिसको पिंक पसंद नहीं आता सबको पिंक पसंद आता है यार इतना ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन है वाइट एंड पिंक कलर का एंड जस्ट लुक एट दिस यहाँ पे आपको वी नेक मिलेगा यहाँ पे आपको ये वाली लेस डिटेलिंग बहुत ही बेसिक सी लेस डिटेलिंग है बट ये बहुत अच्छी लग रही है इसके ऊपर यहाँ पे फॉल्स फॉल्समलर की डिटेलिंग है और थ्रेड uh, का जो है एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा आपको लेस में साथ में जरी वर्क भी है ये देखिए कुछ ऐसे एंड इसमें पूरा आलिया कट का

आपके पास वाइट कलर की लेग है उसके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा आप इसको प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हो शरारा है बेसिक व्हाइट कलर का तो उसके साथ भी काफी अच्छा लगने वाला है जस्ट लुक एट दिस कुछ ऐसा इसका लुक आ जाएगा नीचे काफी फ्लेरी है ये और बैक पे ये बैक साइड भी ऐसे ही प्रिंटिंग सो so, मैं तो इसको बोलूँगी कि भैया अगर जो आलिया कट को देख रहे हो ना मतलब 250-300 रुपए के हिसाब से ये अमेजिंग है इसका स्टफ प्राइज मतलब सीरियसली लिटरली बहुत अच्छा है इसको आप आंख बंद करके पिक कर सकते हो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए इसका लिंक दे रखा है नीचे डू चेक है अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो शो स्टॉपर होने वाला है आज के इस पूरे यू नो हॉल वीडियो का अगर हम बात करें विंटर विंटरवेयर की मतलब ये सेम एग्जैक्ट सेट जो है मतलब इसका जो प्रिंट वगैरह है इसका जो पैटर्न दे रखा है ना इसमें वो थोड़ा बहुत डिफरेंट था बट अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ मैंने अपने खुद के मार्केट में ये अराउंड ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन हंड्रेड का कंप्लीट सेट देखा है जो कि मैंने मीशो से ले लिया है जस्ट फॉर थाउजेंड रुपीज़ मतलब मैंने इसको जस्ट यू you नो know, टेस्टिंग के हिसाब से लिया था कि यार ये क्या वही क्वालिटी है और जब ये मुझे मिला ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार इतनी अच्छी क्वालिटी इसमें आपको सिक्स टू सेवन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे सारे ही कलर्स बहुत अच्छे हैं बट पर्सनली आई लाइक वेयरिंग ब्लैक इन विंटर्स तो मैंने इसमें ये ना चारकोल ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है इसके बाकी के भी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ये वाला वाइट पैटर्न सेम रहेगा जस्ट ये जो चारकोल ग्रे है इसकी जगह आपको मिल जाएंगे डिफरेंट कलर्स जैसे कि लाइट ग्रीन है वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल चेरी रेड कलर है ब्लू कलर है एंड आई थिंक लाइट ग्रे कलर भी है तो आप वो ट्राई करके देख सकते हो वूलन का इसका स्टफ देखो गाइज यहाँ पे ये पूरा ये वाला जो नॉर्मल वूल होता है वो है और इस तरफ ये जो आप वाइट वाला फैब्रिक देख रहे हो ना आप देख सकते हो ये पूरा वो सॉफ्ट वाला जो फरी फरी सा होता है ना वो है नेक की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमको मैंडेरियन कॉलर दे रखा है एंड जस्ट लुक एट द पैटर्न हाफ एंड हाफ पैटर्न है इस साइड पे आपको ये पूरा फर वाला पैटर्न दे रखा है जिसमें कि ये वाले यू uh, नो you know, पूरा वूवन वर्क हो रखा है ग्रे कलर से इस वाले फैब्रिक से एंड इस तरफ हमको ये वुलन फैब्रिक मिल जाता है एंड दिस इज स्ट्रेचेबल एंड सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें भाई साइज़ का कोई भसड़ ही नहीं है मतलब ये फ्री साइज़ है स्ट्रेचेबल है ये काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्ट्रेच दे रखा है आप देख सकते हो ये इसका वेस्ट है तो जैसा भी आपका बॉडी का यू नो फिगर है ये एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा आपको बट मैं आपको पर्सनली ही बोलूँगी जिनका यू नो साइज़ अप टू थ्री एक्सेल है टू एक्सएल तक तो डेफिनेटली ये मज़े से आने वाली है थ्री एक्सएल वालों को भी ये आ जाएगी क्योंकि इसका स्ट्रेच जो है बहुत अच्छा है बट हां इफ यू आर लाइक अबव थ्री एक्सएल फिर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि थ्री एक्सेल के ऊपर इसका स्ट्रेच नहीं जाएगा तो यहां पर इसका लुक हो जाता है कुछ ऐसे यहां पर आपको ये वाला पूरा वीविंग में वर्क मिल रहा है और इसका जो दूसरा वाला पोर्शन है जहां पर चारकोल ग्रे कलर है वहां पर आपको ये पैचेज मिल जाएंगे जिसमें पूरा हैंड वर्क हो रखा है पूरा एम्ब्रॉयडरी है बीट वर्क दे रखा है ये पूरे पैचेस दे रखे हैं इसमें सो so, अगर मैं इन शॉर्ट आपको दिखाऊं इसकी लुक हो जाएगी कुछ ऐसी देखिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लग रही है यार मतलब आप ट्रायल को देखो मजा आ गया मतलब इतना बढ़िया पीस है ये इसका लुक ऑल ओवर यू रहेगा लेंथ इसकी अच्छी खासी है और बैक साइड पे आपको ये पूरा वूलन फैब्रिक में मिल जाएगा ये देखिए आप देख सकते हो इसका वूल दिखने में ही बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है इसमें आपको एक साइड में ना पॉकेट भी प्रोवाइडेड है राइट right साइड में देखिए कुछ ऐसे इसमें पॉकेट दे रखी है एंड लुक वाइज दिस इज सीरियसली सो गॉर्जियस ये हो जाता है इसका कुर्ता इसके साथ हमको दे रखा है इन्होंने प्लाजो जो कि फुली इलास्टिकेटेड है इसी वुलन फैब्रिक में आपको मिल जाएगा जो कि चारकोल ग्रे कलर का है एंड ये भी स्ट्रेचेबल है आप देख सकते हो इसमें अच्छा खासा स्ट्रेच है एंड इसमें फ्लेयर आपको मिल जाएगा कुछ इतना बाकी इसका पैटर्न यूँ रहेगा यहाँ पे ये पूरा वुलन चारकोल ग्रे कलर का है एंड नीचे इसमें आपको फर वूल दे रखा है कुछ ऐसे Uh, कुछ ऐसा इसका फैब्रिक रहेगा एंड ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच इसमें दे रखा है ना ये है इसका बॉटम वेयर एंड बात करें अगर हम इसके साथ दुपट्टे की तो इसमें इन्होंने दिया है एक स्टोल जो कि सेम इसी पैटर्न में रहेगा ये देखिए कुछ ऐसा इसका स्टोल है साइड बॉर्डर्स में हमको ये वाला uh, फर फैब्रिक है बीच में पूरा वुलन रहेगा साइड में इन्होंने इसको पूरा जो है यू uh, नो you know, जो वूल स्टिचिंग होती है ना वो पूरी प्रॉपर करी हुई है तो यहाँ से कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है सच अ ब्यूटिफुल प्रीमियम क्वालिटी पी स्काइस मतलब अंड मतलब अराउंड थाउजेंड एट्टी रुपीज़ कुछ का है ये मिस करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या फिर सेलर, सेलर जो है इसका प्राइस इंक्रीज कर दे तो भैया जल्दी से ले लो हज़ार रुपये में इट्स अ नेक्स्ट साइज आपके साथ शेयर करूंगी एक वुलन कुर्ती जो कि आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में मिल जाएगी कुछ ऐसी ना इसमें ना फैब्रिक इसका अमेजिंग है गाइस मतलब खूब अच्छा वाला जो वुलन स्टफ है ये वो है अंदर से इसमें पूरा फ्लीस दे रखा है हमको तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा वार्म होने वाली है जस्ट इसमें मुझे एक हल्का सा ये लगा कि इसमें जो ये प्रिंट दे रखा है ना ये ब्लॉक प्रिंट है पूरा का पूरा सो आई एम नॉट श्योर कि इसका यू नो टाइम के रहते रहते जो है कलर वॉश ऑफ होगा मतलब ये वाइट वाला प्रिंट वॉश ऑफ होगा या नहीं तो वो तो धुलने के बाद ही पता लगेगा बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है बहुत ज्यादा अच्छा है यहां पे हमको ये मेडेरियन कॉलर मिलेगा हल्की सी स्लिट है यहाँ पे और आप देख सकते हो पूरा कुछ इस तरीके का फ्लोरल प्रिंट इन्होंने दे रखा है इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन हैं तो मैंने इसमें फूशा पिंक कलर पिक कर लिया तो इसका लुक जो है कुछ ऐसा है स्लीव इसमें हमको फुल स्लीव मिल जाएंगी एंड दिस इज फुल फ्लीस जो एक अच्छा हैवी फ्लीस होता है वो वाला फैब्रिक रहे

क्वालिटी इसकी नो डाउट अमेजिंग है आई विल आउट ऑफ हंड्रेड बहुत अच्छा मशीन वॉश you know, तो मतलब मत करो क्योंकि मशीन वॉश में कलर बहुत जल्दी फेड आउट होते हैं जल्दी जल्दी अगर आपको इसको हाथ से वॉश करना है तो इसके कलर्स तब तो इंटैक्ट भी रह सकते हैं तो येस मैं इसको भी रिकमेंड करूंगी इसको आप जरूर ट्राई करके देखिए नगर अब मैं आपके साथ एक ऐसा पीस शेयर करने वाली हूँ Literally, ये बहुत अमेजिंग है वेडिंग सीजन चल रहा है आप इसको शादी में या फिर कोई भी ओकेजन होता है ना कोई पार्टी होती है उसमें वेयर कर सकते हो एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल एक सिंगल कलर शेड में भी में ही ये हमको मिलेगा सिंगल कलर ऑप्शन ही है इसमें और कलर ऑप्शन नहीं हैं विस्कॉ सिल्क फैब्रिक में रहेगा इसका कुर्ता दिस इज़ अ कम्प्लीट सेट जिसमें आपको दुपट्टा मिलता है पैंट मिलती है कुर्ता मिलता है तो विस्कॉस सिल्क में इसका फैब्रिक रहेगा आपको फ्रंट में ना कुछ इस तरीके का नेक दे रखा है ये देखिए हल्की सी यहाँ पे स्लिट है और यहाँ इसके योग पार्ट पे हमको ये नेट का जो है पूरा पैच दे रखा है ऑर्गेंजा का आई I मीन mean, जिसमें कि हमको ये मल्टी कलर का पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क दे रखा है साथ में ये सीक्वेंस हो गया ये देखिए कुछ ऐसा बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क है पूरा का पूरा एंड इसकी लुक हो जाती है कुछ ऐसी कुर्ते की फ्रंट में स्लीव्स की बात करें तो थ्री फोर स्लीव्स रहेंगी एंड स्लीव्स में हमको लास्ट में ना ये ऑर्गेंजा का फैब्रिक दे रखा है जिसमें कि कट डिटेलिंग है और ये वाला पूरा इसमें हमको मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का वर्क तो ये बहुत ज़्यादा प्रटी लग रहा है दिखने में विस्कॉ सिल्क है तो इसमें हल्की सी एक शाइन भी है कुर्ती में पूरा स्ट्रेट फिट का कुर्ता है ये बैक साइड पे हमको ये पूरा सॉलिड मस्टर्ड कलर का ही मिलने वाला है काफी डिसेंट पीस है हल्दी वगैरह के ओकेजन के लिए बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है गोल्डन मस्टर्ड कलर होता है ना कुछ वैसा है इसका न अगर हम इसके बॉटम वेयर की बात करें तो वो सेमी इलास्टिकेटेड रहेगा आगे से ये बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा एंड अगर हम इसके फ्लेयर की बात करें तो ये रेगुलर फिट में हमको मिल जाएगा फैब्रिक इसका सेम है इसका सिल्क मिलेगा आपको मस्तर्ड शेड में ही एंड इसके बॉटम वेयर पर एंड पे यहाँ पर हमको ये पैचवर्क मिलता है जिसमें कि ये कट डिटेलिंग है और साथ में ये सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का वर्क है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एंड दिस इज़ क्वाइट रीजनेबल प्राइस एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही जो है ना इंडो एरा में मैंने देखे हैं काफ़ी सारे सूट्स हैं जो कि समवेयर अराउंड फिफ्टीन सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज़ के बट ये कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ता है आई थिंक ये शायद साढ़े uh, आठ सौ या नौ सौ रुपये कुछ का है तो आप इस पर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो इसके साथ में जो हमको दुपट्टा मिला है वो ऑर्गैनजा फैब्रिक का है सेम शेड का रहेगा वर्थ जो है इसकी एकदम प्रॉपर है जो कि इन्होंने ये स्टिच करके दे रखी है थ्रेड नहीं निकल रहा और लेंथ में हमको ये पूरा कट डिटेलिंग मिल जाएगा साथ में एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का वर्क ये देखिए पूरा का पूरा ऐसे ही रहने वाला है एंड ये दोनों पोर्शन में रहेगा इसकी दोनों तरफ की लेंथ में कुछ ऐसे सो कंप्लीट सेट ये वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लगता है इस वेडिंग सीजन में आप इसको जरूर ट्राई करके देखो मैं इसको हाईली रिकमेंड कर आपके साथ शेयर करूंगी काफी प्यारा कुर्ता जो कि हमें काफी सारे कलर ऑप्शन में मिल जाएगा बट मैंने इसमें ये लाइट यू नो येलो कलर पिक किया जो कि uh, कुछ इस तरीके का है इसका फैब्रिक हंड्रेड कॉटन है एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन है यहाँ पे हमको राउंड नेक मिलेगा हल्की सी स्लिप के साथ फ्रंट में हमको ये जो है पूरा एम्ब्रॉयडरी का और फॉल्स फॉल्सम की डिटेलिंग दे रखी है ये देखिए हल्का फुल्का जरी का वर्क है एंड साइड में कोटा पट्टी की डिटेलिंग दे रखी है एकदम नीट एंड क्लीन वर्क रहेगा पूरा का पूरा ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें पूरा वर्क दे रखा है इसकी लुक फ्रंट में हो जाएगी कुछ ऐसी रेस्ट आप ये जो लाइन्स देख रहे हो ये थ्रेड वीविंग का वर्क है एंड ये जो है जरी वीविंग का वर्क है पूरा ये बड़ी वाली जो ब्रॉड लाइन्स है ये पूरा थ्रेड वीविंग में जा रहा है साइड में यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हो ये चमकीला चमकीला सा ये जरी वर्क है सिल्वर कलर में पूरे फैब्रिक में ये पैटर्न रहने वाला है तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रेस आ रही है कुर्ते पे इसका लुक हो जाता है कुछ इस तरीके से स्लीव्स की बात करें तो इसमें हमको थ्री फोर्थ स्लीव्स मिलेंगी यहाँ पे हमको एक पट्टी की डिटेलिंग दे रखी है स्लीव्स में तो कुछ ऐसी है बाकी ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है परफेक्ट फिट नीचे तक आप देख सकते हो कि ये कुछ इतना ऐसा जाएगा ऊपर पैच वर्क है और नीचे काफ़ी ग्रेसफुल लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो जरी वाला वर्क है एंड बैक साइड पर जो है हमको ये सेम इसी वूवन यू नो वीविंग पैटर्न में मिल जाएगा थ्रेड एंड जरीव्यूविंग पैटर्न में क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है कॉटन की काफी स्टडी फैब्रिक है इसके कॉटन का एक जो थिक कॉटन होता है वो रहेगा एंड इसके साथ आप वाइट कलर का या फिर बेच कलर का बॉटम वेयर पेयर कर सकते हो हल्का फुल्का कोई आपको यू नो गेट टुगेदर में जाना है कोई ओकेजन है तो आप इसके साथ पर्ल ज्वेलरी वेयर कर सकते हो बहुत प्यारा पीस है आई uh, थिंक ये भी समवेर अराउंड 350 कुछ का है तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको कुछ इस तरीके का पीस चाहिए ओकेजनली वेयर करने के लिए तो आप डेफिनेटली इसको परचेज करके देख सकते हो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत प्यारी सी कुर्ती जो कि अगेन आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में मिल जाएगी और इसका जो फैब्रिक है वो है रियॉन बहुत प्यारा और सॉफ्ट फैब्रिक है इसका कुछ ऐसा राउंड नेक रहेगा इसमें यहाँ पे योग पार्ट पे हमको ये पूरा एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस का वर्क दे रखा है जरी एम्ब्रॉयडरी है पूरी एंड सीक्वेंस का वर्क काफ़ी नीट एंड क्लीन वर्क है एंड ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है आप इसको किसी भी पार्टी वेयर ऐसा यू नो पार्टी वेयर पहन सकते हो अगर कोई हल्का फुल्का ओकेजन है आपके घर में तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा तो इसका लुक ओवरऑल कुछ ऐसे है कुर्ती का थ्री फोर्थ इसमें स्लीव्स रहेंगी एंड स्लीव्स में आपको ये हेवी पैच दे रखा है जिसमें पूरा सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का वर्क रखा है जरी एम्ब्रॉयडरी है पूरा और आप देख सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन वर्क रहेगा पूरा ना ये भी जो है ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है परफेक्ट इसकी फिट है और आप देख सकते हो इसकी लुक कुछ ऐसी है साइड पे यहाँ पे इसकी स्लिट्स में दोनों तरफ हमको ये वाला पैच वर्क दे रखा है जिसमें कि जरी वीविंग वर्क है एंड सीक्वेंस का वर्क है ये देखिए ये दोनों तरफ यूं ही रहेगा एंड इसके सबसे बॉटम पर हमको ये वाला पैच मिल जाता है ब्रॉड वाला जैसे कि इसकी स्लीव होता हैवी सीक्वेंस एंड जरी वर्क के साथ सो इन शॉर्ट इन बजट में ये बहुत ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल पार्टीवेयर कुर्ता हमको मिल जाता है कलर ऑप्शन काफ़ी हैं तो आपको जो भी कलर पसंद आता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हो एंड इसके

कपड़ा इसका काफ़ी सॉफ्ट है यहाँ पे हमको ये पूरा हाईनेक मिल जाएगा इसका ये देखिए कुछ ऐसे है हाईनेक बट ये हल्का सा मुझे फ्लिमजी लगा एकदम यू नो प्रॉपर नहीं है ये इसको यू नो फोल्ड करने में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं से इसके जो है आ, हल्का सा झोल सा आ जाता है इसमें बट क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लगी जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से है ये एंड सॉफ्ट फैब्रिक है इसका इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं बट स्टिल इसमें जो है स्ट्रेच uh, रहेगा पूरा ये वाला इसमें लेपर्ड पैटर्न दे रखा है ब्लैक uh, कलर में स्लीवस की बात करें तो इसमें हमको फुल स्लीवस मिलेंगी एंड इसकी जो लेंथ है वो भी अच्छी खासी है स्ट्रेच आप देख सकते हो इसमें ना स्ट्रेच है हल्का सा तो ये हल्का सा नहीं मतलब बहुत अच्छा वाला अच्छा स्ट्रेच अच्छा है कुछ ऐसे स्ट्रेच आ जाएगा बट एनी इसमें साइजेस सारे अवेलेबल अच्छा हैं तो आपका जो भी यू uh, नो you know, जो आपका ट्रू साइज़ है आप उसके हिसाब से लो आपको ये बहुत सही आएगा बैक साइड पर भी ये पूरा ऐसे का ऐसे सेम प्रिंट का रहेगा क्वालिटी इसकी अच्छी है काफ़ी सॉफ्ट है तो आप अपनी यू नो ब्लैक ट्राउजर्स के साथ या फिर डेनिम के साथ इसको पेयर कर सकते हो तो येस uh, इसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है अगर आपको ये पसंद आता है आप ये ट्राई कर सकते हो इसमें एक ना गोल्डन ब्राउनिश एंड प्रॉपर जो लेप पर्ट शेड होता है ना ब्राउन एंड ब्लैक वो भी है उसको भी ट्राई करके देख सकते हो मैं उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर करूँ नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी एक डेनिम स्कर्ट कुछ इस तरीके से है एंड इसमें मीडियम साइज़ अवेलेबल है लार्ज एक्सेल है बाकी आप मतलब चेक कर लेना इसमें कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं ना ये जो है इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक ये सिंगल कलर में ही अवेलेबल है तो मैंने इसमें लार्ज साइज़ लिया बट लार्ज के अकॉर्डिंगली ये मुझे यहाँ से जो है मतलब ये बंद हो गया बट इसमें ना मतलब ये ठीक से बंद नहीं हो पा रहा मतलब समझ रहे हो ना इसमें थोड़ा सा फिटिंग इशू रहा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये स्कर्ट अगर आप ले रहे हो तो आपका जो भी साइज है उसे एक अपर साइज लो कि अगर आपका लार्ज है तो गो फॉर एक्सेल बाकी क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी मिड लेंथ स्कर्ट है ये डेनिम की यहां पर हमको लूप्स मिल जाएंगे तीन बटन्स दे रखे इन्होंने फ्रंट में जो कि फंक्शनल है बाकी ये पूरा स्टिचिंग में नीचे तक जाएगा ए लाइन डेनिम स्कर्ट है ये कुछ इस तरीके से एंड यहां पर हल्का सा आपको स्लिट मिल जाएगा तो ये ग्रेसफुल है क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डेनिम स्कर्ट इस विंटर में वेयर करने के लिए अलग अलग तरीके से स्टाइल करने के लिए तो आप ये ले सकते हैं हो दिस इज फॉर समवेर अराउंड थ्री हंड्रेड रुपीज थ्री हंड्रेड या थ्री ट्वेंटी कुछ की है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली काफी अच्छी है फ्रंट पे हमको ये दो पॉकेट्स दे रखी हैं एंड बैक साइड पर भी हमको ये दो पॉकेट्स मिल जाएंगी तो क्वालिटी इसकी अच्छी है इसमें ना आपको स्ट्रेच भी मिल जाएगा आप देख सकते हो स्ट्रेची है ये एंड जैसे कि मैंने बोला फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है प्रॉपर डेनिम शेड है इसका सिंगल कलर में ही हमको ये मिलेगा और इसके साथ आप ब्लैक कलर का या फिर कुछ भी यू you नो know, आजकल काफ़ी सारे क्रॉप स्वेटर्स हैं जैकेट्स हैं वो आप पेयर कर सकते हो एंड इफ़ इन केस आप इसको यू नो समर्स में वेयर करना चाहते हो तो टी शर्ट्स वगैरह के साथ चली जाएंगी तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हो मेरी हाइट देख करके मेरी हाइट फाइव फोर है दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर इट्स जस्ट दैट कि इसका ये ऊपर वाला बटन जो है मुझे थोड़ा सा टाइट या है इनफैक्ट आप अपना एक साइज बड़ा ही लेना बाकी नीचे से इसकी फिट बहुत अच्छी है एकदम कंफर्टेबल वाली है बिल्कुल भी टाइट नहीं है ए लाइन स्कर्ट है तो मैं इसको रेकमेंड करूंगी अगर आपको कोई स्कर्ट चाहिए तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो जस्ट गो फॉर वन साइज सो आई रियली होप गाइस कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा कार्डिगन स्वेटशर्ट्स एंड जैकेट्स का जो विंटर वेयर है मीशो का वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी जैसे ही मुझे वो वाला स्टफ मिल जाता है रेस्ट uh, आपके साथ मैं अमेजोन से जो है काफ़ी सारा वुलन्स स्टफ़ शेयर करने वाली हूँ विंटर कलेक्शन जो कि अंडर फाइव हंड्रेड का होने वाला है बहुत अफोर्डेबल रहेगा वो भी तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा इसी वीक में वो वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी Amazon under 500 बुलंद स्टफ उसको बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि क्वालिटी उसकी भी अमेजिंग होने वाली है तो यस जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखेगा टेल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड सीए